बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों बॉक्सेस हैं। यदि मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ यदि आ जाए तो ये छुप जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सबसे आगे की तरफ है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट यदि मैं प्लेस करता हूँ तो ये बड़े वाला ऑब्जेक्ट इन तीनों को पीछे की तरफ छुपा लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे आएं और इसमें आसानी से मैं सेटअप कर पाऊँ। मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आए, उसके पश्चात ये और उसके पश्चात ये ऑब्जेक्ट आए, लेकिन ये छुपाए नहीं एक दूसरे को। इस केस में मैं इन्हें ऊपर लाना चाहता हूँ। ऐसे केस में मैं ऑर्डर से ये डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके आगे आएगा और किस तरह से प्रयोग होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम किस प्रकार से इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रेड वाला जो बॉक्स है वो सबसे पीछे की तरफ है, अर्थात ये वाला जो बॉक्स है हमारे पास ये सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट है अभी, और ये दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है और ये तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जिस भी ऑब्जेक्ट का आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट पे जाएं, ऑर्डर पे जाएं। आप चाहें तो टू फ्रंट ऑफ द पेज, सबसे ऊपर पेज के ऊपर आ जाएगा, टू बैक ऑफ द पेज, सबसे पीछे चला जाएगा पेज के। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टू फ्रंट ऑफ पेज कर देता हूँ। आप देखेंगे फ्रंट ऑफ पेज करते ही सबसे आगे आ गया है, अब यह पीछे की तरफ नहीं छुप पाएगा, ये आगे की तरफ आ गया है। मैं भी इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यदि मैं किसी तरीके से इसे छुपाना भी चाहूँ तो भी बड़ा ऑब्जेक्ट इसके पीछे ही आ रहा है। इसी तरह से मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर में टू बैक ऑफ पेज, ये करने से सबसे पीछे चला जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में लेयर्स के अकॉर्डिंग भी मैं इनको सेटअप कर सकता हूँ। हालांकि लेयर्स अभी हमने इस सेशन में अभी नहीं की है। यदि आप लेयर्स में कार्य करते हैं तो लेयर्स में भी आप फ्रंट लेयर और बैक लेयर सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये देखें, ये ऑब्जेक्ट सबसे पीछे की तरफ है और ये ऑब्जेक्ट जो है, अब मान लीजिए देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास ऑरेंज कलर का सबसे पीछे की तरफ है बॉक्स, रेड कलर बीच में, और यदि यहाँ देखूँ तो ब्लू कलर का बॉक्स सबसे आगे है। मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को सबसे ऊपर लेके आना, जो सबसे लास्ट ऑरेंज कलर का बॉक्स है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर पे यदि मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्डर पे, और यदि मैं इसे फॉरवर्ड वर्क करना चाहूँ तो इसे ऊपर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल पेज अप का प्रयोग भी कर सकता हूँ। पीछे ले जाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल पेज डाउन का प्रयोग भी कर सकता हूँ। आइए शॉर्टकट के द्वारा देखते हैं। मैंने अभी इसे सेलेक्ट किया हुआ है और कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, कंट्रोल पेज अप प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट रेड वाले ऑब्जेक्ट से आगे आ गया है। फिर मैं कंट्रोल पेज अप करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के भी आगे आ गया है। यदि मैं इसे पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल पेज डाउन एक ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया है। अब यदि यहाँ देखें तो ये ऑब्जेक्ट बीच में है, रेड के पहले और ब्लू के पीछे, और इसी तरह से यदि मैं कंट्रोल पेज डाउन दोबारा कर दूँ तो ये रेड के भी पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर सेट कर सकता हूँ कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन के साथ। यहाँ पे फिर से ऑर्डर पे चलते हैं हम। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आगे मैं इसको रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ कमांड के साथ, और पीछे रख सकता हूँ बिहाइंड कमांड के साथ। मेरे पास यहाँ पे अभी येलो कलर्ड ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है जो सबसे पीछे की तरफ है, मैं इसे सबसे आगे ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट के आगे लाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट पे ऑर्डर पे मैं यहाँ से इन फ्रंट ऑफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एक एरो अवेलेबल हो गया है, इसको मैं जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा उस ऑब्जेक्ट के आगे मेरे पास ऑरेंज कलर का बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं ब्लू कलर के आगे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑरेंज कलर वाला ये ब्लू कलर से ऊपर हो गया है। इसी तरह से मैं इसे पीछे भी कर सकता हूँ, बिहाइंड पे क्लिक करेंगे, और यदि मैं रेड कलर के बिहाइंड करना चाहता हूँ या ब्लू कलर के बिहाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। मैं क्लिक कर देता हूँ ब्लू कलर के साथ, अब देखेंगे ब्लू कलर के पीछे ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इस तरह से आप ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं ऑर्डर के द्वारा, और आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में सेट करके अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।